नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिमा जादौन और खबर गुरदासपुर से आ रही है। बटाला की धान मंडी में भीगी 3000 फसल की बोरियां, मंत्री बाजवा ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बारिश होने से बटाला मंडी में बिना तरपालों के पड़ी 1121 बासमती की फसल भीगती दिखाई दी। बटाला दाना मंडी में करीब 3000 बासमती की बोरी बारिश में भीग गई। न तो बोरियों पर तिरपालें थी और न ही उनके नीचे रैक थे। एक बोरी में 35 किलो के करीब फसल भरी जाती है। अगर यह 3000 बोरी बारिश में भीगकर खराब हो जाती है तो इसका नुकसान लाखों में पहुंच जाएगा। बटाला मंडी के आरती सुखदेव सिंह ने बताया कि सारी फसल उठा ली गई थी, लेकिन जो फसल भीगी उसका कारण लेबर का ना होना है, क्योंकि दिवाली होने के कारण लेबर घर को चली गई थी, जिसके कारण कुछ फसल की बोरियां बारिश में भीग गई थी। लेकिन ये सारी फसल प्राइवेट होल्डरों ने खरीद ली है और इसके लिए इसमें सरकार या किसानों का कोई नुकसान नहीं है। वैसे तो ये बोरियों में पड़ी फसल खराब नहीं होगी, लेकिन अगर होती भी है तो उसका नुकसान प्राइवेट होल्डरों को ही होगा। कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि मालगाड़ियां शुरू करें, जिससे सारा सामान आ सके, क्योंकि बार देना और यूरिया भी नहीं है और इसके साथ अपनी इंडस्ट्री में भी माल बाहर जाने के लिए बना हुआ है, लेकिन मालगाड़ियों की वजह से दिक्कत आ रही है। इसलिए केंद्र सरकार को इन सबसे उठकर फैसला करना चाहिए और फसल भीगी है उसे संभालना चाहिए। प्राइम न्यूज 24 के लिए गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। सुखदेव सिंह आड़तिया बटाला मंडी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो धान किसानों को बटाला मंडी में आया था, ये सब खरीद हो चुका है। प्राइवेट खरीदारों ने इसकी खरीदारी की है और इससे किसानों का कोई लॉस नहीं है। जो माल भीगा हुआ है ये भी प्राइवेट खरीदारों की लाइबिलिटी है। इसका कारण ये हुआ कि ये माल उठाने में ये दिक्कत आई कि दीपावली आने से और दूसरे त्यौहार आने से भाई दूज का जो लेबर में काम करती थी वो अपने अपने घरों को चली गई, जिसके कारण जो खरीदा हुआ माल उसकी उठाई नहीं हो पाई, जिसके कारण जो ऐतवार को, रविवार को और जो बरसात हुई है जहाँ आज सुबह से थोड़ी थोड़ी किनमिन चल रही है, उसके साथ जो बोरियों बरसात में भीगी हैं उसका जो लॉस है वो हमारा जहाँ हमारे प्राइवेट खरीदारों का, इसमें किसान की कोई लाइबिलिटी नहीं है। सुखदेव जी, एक बोरी में कितना धान होता है? ये अलग अलग खरीदारों की जो होती है बोरी की जो वेट है, ज़्यादातर 35 केजी है, 35 किलो। तो 35 किलो अगर खराब हो जाती है तो एक बोरी में कितना है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारा लॉस तो नहीं होता, मगर नीचे से भी हो तो भी 700-800 रुपये से, 700-800 रुपये पर बैग। पर अब मंडी में कितनी लगभग करीब मंडी में जो 3-4 हज़ार बोरी होगी जो नहीं उठाई हो सकी, ठीक है जी। तो अगर मान लीजिए जी, अगर सभी खराब हो जाती है तो इसका कितना लॉस हो सकता है? फिर तो सर लाखों में उसका लॉस होना था, मगर इससे जितनी बरसात हुई, अगर वो जगह ऊंचाई में हो तो नीचे से जो फसल है उसको कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, बारदाना, जो जूट बारदाना है वो खराब हो जाता है। तो क्या मालगाड़ी नहीं चलने से बारदाना आने की दिक्कत तो नहीं हो रही कहीं पे? प्राइवेट, हाँ दिक्कत तो है, क्योंकि नया बारदाना आया नहीं, प्राइवेट जो रीयूज होता है उसी को दोबारा सेलरों से या बाहर से मंगवा कर उससे भरपाई करनी पड़ रही है। लॉस तो है ही है, नहीं आया तो